ये इनकम के ऊपर टेक्निकली टैक्स है, ये आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं है किसी भी सूरत के अंदर। सो ये लोगों को समझना पड़ेगा, इस काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, क्योंकि बिस्मिल्लाह। सो अब जो आज की वीडियो, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट टैक्सेशन और उसके ऊपर, एंड हाउ डज टैक्स जो है वो हमारा इम्पैक्ट करता है ऑन आवर रियल एस्टेट। सो पहले समझ लें, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चंस आते हैं कि जी कौन से टैक्स हैं, स्पेशली जो लोग नए आ रहे हैं, यू नो जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है, इन्वेस्टर्स ऑलरेडी नो दिस। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो शायद आपको तो ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो अभी नए आए हैं, सोच रहे हैं और करना चाहते हैं, उनके क्वेश्चंस आते रहते हैं हमें। बेसिकली जो है, जब हम रियल एस्टेट टैक्सेस की बात करते हैं तो रियल एस्टेट टैक्सेस जो है वो तीन तरह से, दो हैं और एक तीसरा मैं इसलिए शामिल करूंगा कि कुछ डेवलपर के चार्जेस होते हैं। तो रियल एस्टेट टैक्सेस के अंदर, तो सॉरी यार मेरी हैंड राइटिंग जो है ना वो कुछ ऐसी ही है, तो आपको जो है वो इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो रियल एस्टेट टैक्सेस के अंदर हमारे पास पहले हैं जो प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो लगाती है। फिर हमारे पास होते हैं फेडरल टैक्सेस, और फिर एक मैं तीसरी चीज़ जो कहता हूँ कि डेवलपर के कुछ चार्जेस जो होते हैं वो। ये तीन चीज़ें हैं जो बेसिकली जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये आपको देना पड़ता है। प्रोविंशियल टैक्सेस कौन से हैं? प्रोविंशियल टैक्सेस जो हैं वो बेसिकली आपके जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ CVT स्टैंप ड्यूटी पंजाब के अंदर, जिसको आप स्टैंप ड्यूटी कहते हैं, जो अब गवर्नमेंट ने 1% कर दी है। ये रिसेंटली जो हमारी अभी लेटेस्ट पंजाब गवर्नमेंट, ये 2% हो गई थी लेकिन अब दोबारा से रिवर्ट करके 1% कर दिया, तो ये स्टैंप 1% है इस वक्त। अच्छा, दैट्स द ओनली टैक्स जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिवाए करती है ऑन द ट्रांसफर ऑफ अ प्लॉट। वो जब आप प्लॉट ट्रांसफर करा लेते हैं उसके बाद आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। फेडरल टैक्सेस में जो हैं वो हमारे पास बेसिकली, जब हम बायर की बात करते हैं तो बायर के लिए हमारे पास जो फेडरल टैक्सेस हैं वो है एडवांस टैक्स, ठीक है, ये वो 236 ही आया एक के है, मैं उसके अंदर मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन एडवांस टैक्स जब आप बायर करने जा रहे हैं तो ये आपने देना है। ये वो टैक्स है कि जनाब जिसमें अंदर बेसिकली आपने 2% जो है वो आपका एडवांस टैक्स है फॉर द फाइलर, और नॉन फाइलर के लिए 7% कर दिया गया है। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि ये 7% किस पैसों के ऊपर लेना है, वो भी हम अभी इसके बाद में सेकंड बात करेंगे, फिर हम इसको रिलेट करेंगे। और जब आप अगर सेलर हैं तो आपने कैपिटल गेन टैक्स देना है विद होल्डिंग में, एडवांस में, एडवांस आपने देना है, ठीक है जनाब, वो आपने यू नो डिपेंडिंग अपॉन के आपके एडवांस फाइलर के ऊपर जो है और नॉन फाइलर के ऊपर जो है वो एक परसेंटेज गवर्नमेंट ने सेट की हुई है। प्लॉट्स के ऊपर वो 6 साल है, उसके अंदर वो रेशियोज की डिफरेंट होती रहती है, और ये कैपिटल गेन टैक्स बेसिकली आपने अपने उसके ऊपर देना है जो आपने प्रॉफिट कमाया है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। जब आप एडवांस में देते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल आपको 10 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है और आपने जो है कैपिटल गेन टैक्स आपका लेस सपोज 10% बनता था, यानी कि जनाब 1 लाख रुपया बना आपका, तो जब 1 लाख रुपया आपने देना है तो एडवांस में वो आपसे जो है वो उसका 10 लाख का कोई 1% 2% आपसे ले लेते हैं, फाइलर नॉन फाइलर है आप उसके मुताबिक, बाकी फिर आपको अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न के अंदर ये इनकम शो करा के देना होता है। तो ये कैपिटल गेन टैक्स आप उधर उस सूरत में देते हैं, ठीक है, ये सेलर का है, इसके अंदर ये बायर नहीं देता। तो बायर बेसिकली स्टैंप ड्यूटी 1% देता है, एडवांस टैक्स देता है, इधर से वो ट्रांसफ़र फीस वगैरह जो है डेवलपर की वो देता है ताकि प्लॉट उसके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। अब जो अगली कन्फ्यूजन है, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें टेक्निकली 2 रेट्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल एक DC रेट है जी, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं, FBR रेट जो है ये फेडरल गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं, उसूली तौर पर ये एक ही होने चाहिए, लेकिन बहरहाल ये दोनों जो हैं ये दोनों गवर्नमेंट्स ने अलग अलग सेट किया। तो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो हम DC रेट्स पे देते हैं, और ये जो फेडरल टैक्सेस हैं ये सारे हम FBR वैल्यू पे देते हैं।
अब ये डीसी रेट्स एफडीआर वैल्यू का, टेक्निकली पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है उसकी तीन वैल्यूज़ हैं अनफॉर्चुनेटली, एक है डीसी वैल्यू, एक है एफडीआर वैल्यू और एक है रियल मार्केट वैल्यू। तो हम जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें इन तीनों वैल्यूज़ को जेहन में रखना पड़ता है, क्योंकि आपने स्टैम्प ड्यूटी जो देनी है वो देनी है डीसी वैल्यू पे, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी देंगे आप जो अपनी एफबीआर वैल्यू के ऊपर जो है, ये आपके जो टैक्सेस हैं एडवांस टैक्स है और ये जो कैपिटल गेन टैक्स है ये आप देंगे एफबीआर वैल्यू पे जो प्रॉपर्टी की है, और मार्केट वैल्यू के ऊपर अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं तो उसके ऊपर भी आपको, अगर आपने डिक्लेयर करना है कि ये सारे पैसे आपके वाइट होने चाहिए तो आपको उसके ऊपर भी कैपिटल गेन देना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये सारा सिस्टम किस तरीके से चलता है, आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड। और ये जो टैक्सेस हैं ये से कोई भी बंदा, यानी आपकी चाहे नैरेटेड प्रॉपर्टी भी है वो भी आपकी इसके अंदर आती है और आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है अगर आप उसको इस टाइम पीरियड में बेचेंगे। इसकी फिर गवर्नमेंट ने स्लैब्स बना दी हुई हैं, वो हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है प्लॉट्स के लिए, वो 6 साल तक आप जो है प्लॉट्स के ऊपर आपको जो है वो कैपिटल टैक्स देना, कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। बने हुए जो घर हैं उनके ऊपर आपको 4 साल तक देना पड़ता है कैपिटल गेन टैक्स, और अगर कोई हाई राइज या नई बिल्डिंग जो बनी उसमें सिर्फ 2 साल तक का टाइम पीरियड है। जो एक और अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने अभी जो है वो एफबीआर वैल्यूज़ को जो है एग्जम्प्ट किया है, राइट, एक्सपैट्स को, कि वो एडवांस टैक्स ना दें, क्योंकि टेक्निकली बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं, और मेरा ख्याल ये बड़ा अच्छा डिसीजन है ना, कि एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में नहीं कमा रहे होते और चूंकि अगर उनके पैसे बाहर हैं बाहर वो टैक्स दे रहे हैं तो ये टेक्निकली तो एडवांस टैक्स होता है, और एडवांस टैक्स का मकसद ये है कि जनाब ये आपकी टैक्स एनुअल रिटर्न के अंदर जाके ये आपका एडजस्ट हो जाता है। तो बिजनेसमैनों को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं है या प्रॉपर्टी के लिए नहीं, ये असल में जो लोगों की ब्लैक मनी है उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, यानी मैंने अगर प्रॉपर्टी लेनी है, मेरा अभी जो है वो तकरीबन रफली साल का 70-80 लाख रुपया जो है वो टैक्स कटता है, तो मैंने अगर प्रॉपर्टी लेनी है और मैंने जाके जो है वो करना है, अगर मेरा 2 लाख रुपया टैक्स उस पर लग गया है तो वो मैं अपने 70-80 लाख रुपये के अंदर जो है वो उसकी एडजस्टमेंट करा सकता हूँ और मुझे 80 लाख नहीं देना पड़ेगा, मुझे जो है वो 78 लाख देना पड़ेगा। सो ये आपके बेस्ट इज आपके टैक्स लॉयर्स, दे कैन गाइड यू बेटर। सो दिस इज एक्चुअली नॉट, ये इनकम के ऊपर टेक्निकली टैक्स है, ये आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं है किसी भी सूरत के अंदर। सो ये लोगों को समझना पड़ेगा इस काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, क्योंकि वैसे लोग अपनी इनकम टैक्सेज और उनके ऊपर उनको अवॉइड करते हैं, तो उसके लिए ये लगाया गया। तो एक्चुअल तो सिर्फ 1% है प्रॉपर्टी के अंदर, एंड येस देन कैपिटल गेन टैक्स इज ऑलवेज देयर। सो गाइज, टैक्सेस का बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि यू गाइज हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं तो आपको पता है कि बेचने वाले के लिए आप सिर्फ एक ही किस्म का टैक्स है जिसमें आपने कैपिटल गेन टैक्स देना है, उसका एडवांस टैक्स आपको पहले देना पड़ेगा। बायर के लिए 2 टैक्सेस हैं टेक्निकली, एक उसके पास जो है एडवांस टैक्स है जो उसने देना है अपनी इनकम के ऊपर एफबीआर रेट पे, और स्टैम्प ड्यूटी जो उसने बाद में जमा करानी है, एंड बाकी कोई ट्रांसफर फीस है और डेवलपमेंट चार्जेस अगर कोई ड्यू हैं तो वो हैं। So that is all, और all those people जो अभी property के अंदर आ रहे हैं, I hope they find this interesting और उनके लिए कुछ information होगी। And the best thing to do at this moment is कि आप अपने जो भी आपका real estate consultant है आप उससे भी पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है वो क्या कहते हैं better कि अपने tax lawyer के साथ मशवरा करें जब भी आपको इस तरह की transaction करने जा रहे हैं। Thank you very much and Allah Hafiz।